सिर्फ जॉइंट्स को ही इस तरह से मसाज करके रिलीज करेंगे सारे जॉइंट्स को, जॉइंट्स को इस तरह से मोबिलाइज बिल्कुल ना करें। वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जीतू मिश्रा, मेरे साथ में आज हैं, क्या नाम है आपका? महिपाल रावत। महिपाल रावत जी, तो रावत जी जैसे आप समझते हैं कि ये उत्तराखंड से ही हैं। जी सर, है ना। और उत्तराखंड के लोग बहुत फिट होते हैं, बहुत एनर्जी वाले लोग होते हैं, बहुत अच्छे लोग होते हैं और बहुत हार्डवर्किंग होते हैं। तो आप दिल्ली में कब से हो महिपाल जी? सर दिल्ली में तो बचपन से था, उसके बाद मैं गुड़गांव शिफ्ट हो गए थे, 10-12 साल हो गए सर। 12 साल हो गए। महिपाल जी मेरे पास आज पहली बार आए हैं, ये वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिएगा। ये एक इन्फॉर्मेशन वीडियो है जिसमें हम एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में आपको बताएंगे। आप भी एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस समझ लीजिए, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि हमारे पास जितने भी एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट आए, उनका इलाज सही से नहीं हुआ, बहुत सारे अनवांटेड ट्रीटमेंट्स डायग्नोसिस करते रहे और जो उनको मेन जो चीज़ बतानी चाहिए थी, जो करनी चाहिए थी डॉक्टर को या थेरेपिस्ट को, वो उन्होंने नहीं की। और वहीं पे बहुत सारे मरीज भी इस बीमारी से अछूते रहते हैं, वो सिर्फ इन्हीं सब चीज़ों की बातें करते हैं कि मेरे गर्दन में दर्द है, मेरे कमर में दर्द है, मेरे हाथों से लिखने में दर्द है, तो वो हमेशा सिम्टम्स की बात करते हैं। बट एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में क्या होता है, सबसे पहले तो आप जानें कि जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन होना चालू हो जाता है। वो मल्टीपल जॉइंट्स में हो सकता है, आपके घुटने में हो सकता है, आपके गर्दन में हो सकता है, आपके स्पाइन में हो सकता है, आपके सारे जॉइंट्स में हो सकता है। जनरली बड़े जॉइंट्स में होता है, छोटे जॉइंट्स में नहीं मिलता है। तो आपके हिप जॉइंट्स में हो सकता है, आपके नी जॉइंट्स में हो सकता है, आपके एड़ियों में हो सकता है। और इनके एक बहुत कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर इनका जो अक्सर देखा जाता है कि गर्दन काफी आगे शिफ्ट कर जाती है। और आप गर्दन घुमा के दिखाओ, हाँ दूसरी तरफ। जब इस तरह की रेंजेस आपको मिलती हैं, तो आप समझ जाइए कि ये एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ही है। दूसरी चीज आप देखेंगे, इनके हाथ भी अफेक्ट होने लग जाते हैं। धीरे धीरे हाथ उठाइए। हाँ, ये तो बहुत अच्छा जा रहा है, बट हमने प्रीवियस ये नहीं जा रहा। तो प्रीवियस वीडियोस में हमने दिखाए भी हुए हैं कि कई लोगों के तो हाथ इतना भी नहीं उठते। तो जब आपके जॉइंट रिस्ट्रिक्शन होने लग जाती है, तो आप काफ़ी ज़्यादा पेनफुल कंडीशन होती है। जब ये एपिसोड्स होते हैं, कई बार 3-4 महीने में एक आधा एपिसोड होता है, जब आपके लिए फीवर आने लग जाता है। बेसिकली एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में होता क्या है, जॉइंट्स के अंदर इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा होने लग जाती है, जिसकी वजह से जॉइंट मोबिलिटी रिस्ट्रिक्ट होने लग जाती है, मसल्स बहुत ज़्यादा स्पैज़म में चले जाते हैं और धीरे धीरे मसल्स भी रिजिड हो जाते हैं। अब इसके ट्रीटमेंट्स, मेडिकल एस्पेक्ट्स के ट्रीटमेंट तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे जेनेटिक मेडिसिन आती हैं जो दी जाती हैं। और एक और फैक्टर कि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होता कैसे है, ये हेरिडिटरी डिजीज है, ये पेरेंट्स से बच्चों में जाती है। हो सकता है कि एक जनरेशन दो जनरेशन कभी किसी को दिक्कत नहीं हुई। क्या आपके फैमिली में, रिश्तेदारों में, नाना नानी, दादा दादी? नहीं सर, किसी की नहीं। किसी की भी नहीं है, सब फिट थे। और आप कौन से नंबर के बच्चे हैं अपनी फैमिली में? सेकंड नंबर सर। सेकंड नंबर के बच्चे, तो ये भी देखा गया है कि सेकंड और फोर्थ बच्चों में ही यूजली देखा जाता है। और अब इसका ट्रीटमेंट पे आते हैं। पहले तो आप देखेंगे कि दो तरह के एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस पेशेंट मिलेंगे। एक होगा जिसका आप HPLA टेस्ट कराएंगे 27, वो पॉजिटिव आएगा, तो हम उनको HPLA 27 बोलेंगे कि इनकी खून में भी वो साइन, वो एंटीजेंस मिल रहे हैं जिसमें वो पॉजिटिव है, तो वो एस्टेब्लिश करना बहुत आसान हो जाता है। पर जैसे इनके केस में इन्होंने 2019 में टेस्ट कराया HPLA 27 और नेगेटिव आया, तो उसमें साफ हम उन पेशेंट्स को बोलते हैं सीरो नेगेटिव, कि आपकी बॉडी में एंटीजेंस नहीं मिले, बट सिम्टम्स और आपकी कंडीशन सारी एंकाइलोजिंग वाली है, तो हम सीरो नेगेटिव एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं, कि ब्लड टेस्ट में हमें कोई भी चीज़ नहीं मिला। बट मैंने इनको, क्योंकि 2 साल पहले टेस्ट करा लिया था, और ये 39 ईयर्स के हैं, और एक टेस्ट 2 साल बाद, यानी कि आप कुछ दिनों में ये कभी भी करा सकते हैं, आज ही कराना या 5 दिन में कराना जरूरी नहीं है, बट एक जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन पर्पज, शायद अब कहीं टेस्ट में कोई चेंजेस आए तो वो हम देख लें। अच्छी बड़ी लेबोरेटरी से कराइएगा, छोटी जगह से मत कराइएगा। अब इसके मेजर मेन रोल ट्रीटमेंट पे आते हैं। ट्रीटमेंट में क्या हो सकता है, देखिए, अब जो जॉइंट्स को तो हमें हाथ से इंस्ट्रूमेंट से रिलीज करना ही पड़ेगा, ताकि उसमें हम जो भी इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, और बहुत ज़्यादा काम नहीं करते,
ताकि हाथ से काम करने से, इंस्ट्रूमेंट से काम करने से हम इनको नई इन्फ्लेमेशन ना दे, है ना। तो हम मॉडरेटली काम करते हैं, इसमें आप इनको कपिंग दे सकते हैं, एक्यूपंक्चर भी काफ़ी यूजफुल होता है दर्द में कम करने में, और आप इनको बहुत सारी योगा की स्ट्रेचेस और एक्सरसाइज करा सकते हैं। आज जो मैं इनको सिखाऊंगा वो पाइप से हाथ उठाना ही होगा, गर्दन की मैं कोई एक्सरसाइज इनको नहीं बताऊंगा ना कराऊंगा, ना आप भी अगर डॉक्टर हैं तो किसी पेशेंट को गर्दन की एक्सरसाइज ना कराएं। अगर आप पेशेंट अपने आप में है और आपको किसी ने एक चार्ट दे दिया है जिसमें बहुत सारी एक्सरसाइजेस लिखी हुई हैं तो सारी एक्सरसाइजेस ना करें, हर किसी की कंडीशन के हिसाब से। अगर आपकी गर्दन इनसे ज़्यादा घूम रही है तो गर्दन की एक्सरसाइज करें, अगर आपकी एंगल सिर्फ हल्का सा ही मूव करता है गर्दन का, गर्दन को छेड़े ना, अपने शोल्डर्स को इम्प्रूव करें। जैसे ही आपके कंधे इम्प्रूव होना चालू होंगे आपकी नेक की मोबिलिटी अपने आप से बढ़ना चालू हो जाएगी। अब बचता है कायरोप्रैक्टिक। कायरोप्रैक्टिक का मतलब सिर्फ हमेशा जॉइंट्स को खोलना या एडजस्टमेंट करना नहीं होता है, हर पेशेंट हर कंडीशन के हिसाब से, बेड रिटन पेशेंट्स के साथ आप अलग डिफरेंट वे में ट्रीट करते हैं, आप उनके जॉइंट्स को सिर्फ मोबिलाइज करते हैं हाथों से, उसी तरह से इनके केस में भी हम जॉइंट सिर्फ मोबिलाइज करेंगे या मूव करने की कोशिश करेंगे। किसी भी थेरेपी में किसी भी एडजस्टमेंट में आप पेशेंट को 1% भी पेन देने की कोशिश ना करें, पेशेंट ट्रीटमेंट से डर जाएगा और उस ट्रीटमेंट को आगे नहीं लेगा, तो जो उसको फायदा मिल सकता था आपकी थेरेपी से वो उनको आने वाले टाइम में नहीं मिलेगा। अगर आप में से भी कोई आप जानते हैं किसी को एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, उनका चलने का पैटर्न बहुत स्पेसिफिक होता है, मैं वीडियो में आपको उनका पैटर्न भी दिखा दूंगा, तो आप उनको ज़रूर बताएं कि इसका सही ट्रीटमेंट क्या है। और हमने एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस बहुत यंग बच्चों में भी देखा जाता है, 15-20 साल में अर्ली स्टेजेस में, तो एज के हिसाब से डिटोरिएशन भी डिटरमाइन होता है, जितना जल्दी स्टार्ट होगा उतने ज़्यादा वो अपनी पीक बनाता है अर्ली एजेस में, 20s में या 30s में। जैसे कि अभी 39 ईयर्स के हैं, इनका जो पीक था मेरे ख्याल से 2-3 साल पहले था जी सर, है ना। अब उस टाइम से आपकी दिक्कतें जॉइंट्स की रेंजेस कम हो रही हैं, बट दर्द होना इन्फ्लेमेशन होना वो सब नहीं हुआ जी सर, है ना। तो मुझे ऐसा उम्मीद है कि अगर ये अगले 4-5 साल तक अपनी जॉइंट्स की मोबिलिटी को मेंटेन करके रखेंगे तो इनको आगे लाइफ में कोई दिक्कत नहीं होगी। वहीं पे जब आप बहुत यंग हो, आप 15-20-25 साल के हो, तो आपको डेफिनेटली एक अच्छे डॉक्टर को मिलना चाहिए जो आपको हो सकता है पेन की कंडीशंस को कम करने के लिए कुछ जेनेटिक मेडिसिन भी दे। वो काफ़ी एक्सपेंसिव मेडिसिन आती हैं और काफ़ी सारी मेडिसिन अंडर ट्रायल हैं, तो उस प्रोग्राम में एनरोल करने से पहले अपने डॉक्टर से उसकी सारी अच्छी और बुरी चीज़ें दवाइयों के बारे में पूछ लें। महिपाल जी ने भी पेन किलर्स काफ़ी ले चुके हैं, इन्होंने काफ़ी टाइम लिए जिसके वजह से इनके किडनी पे भी असर पड़ना चालू हो गया था और इन्होंने अब पेन किलर्स लेना बंद कर दिया है। महिपाल जी अब आप एडजस्टमेंट के लिए आए हैं, आप भी यही सोच के आए हैं कि आपके जॉइंट्स खुल जाएंगे जी सर, तो मैं भी देखता हूँ कि मैं आपकी पहले दिन में कितना आराम दे सकता हूँ, और मैंने इनको 10 दिन का भी समय दिया है कि 10 दिन में मैं कितना इनको हेल्प कर सकता हूँ ये पता करने की कोशिश करूँगा, और उसके आगे फिर इनके लिए एक अलग से स्केड्यूल बना के थेरेपी का एक्सरसाइज का दिया जाएगा ताकि ये अपने काम में भी लगे रहें और इनका इलाज भी चलता रहे और कम से कम ट्रीटमेंट के लिए क्लिनिक पे आना पड़े और बाकी ये खुद अपने आप इलाज अपना कर लें। आइए महिपाल जी सीधा लेट जाएंगे, पहले फेस के बल लेटे फिर सीधा लेटे। फील करने पे ही अलग सी रिजिडिटी फील होती है, आज हमने इनको कपिंग की है तो इनको काफ़ी सुबह तक शाम तक आराम मिलेगा। अब मैं देखता हूँ, देखिए इनका रिस्पांस क्या होता है, थोड़ा सा प्रेशर मैं लगा रहा हूँ बट मैं बिल्कुल भी थ्रस्ट नहीं दूंगा। कोई भी जो भी थेरेपिस्ट हैं या एडजस्टमेंट सीखना चाहते हैं या अपने पेशेंट्स पे करना चाहते हैं, प्लीज़ यहाँ पे इन पेशेंट्स पे कोई भी थ्रस्ट नहीं दिया जाएगा। आप सिर्फ अभी टेंडरनेस फील करेंगे, कहाँ कहाँ टेंडरनेस है, कहाँ कहाँ पे आप थ्रस्ट लगा सकते हैं, ये आपके लिए अंडरस्टैंड करना फील करना सिर्फ, सिवाय मेरी तरह जैसे पेशेंट लेटता है और मैं तुरंत से एडजस्टमेंट कर देता हूँ वो नहीं करेंगे इनके केस में। इनके केस में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगाएंगे समझने के लिए।
कि क्या क्या जॉइंट्स हैं। इजी, ओके, नाइस नाइस नाइस। सो इनके फेसेट जॉइंट्स हम बेसिकली एडजस्टमेंट से खोलते हैं। हम देख पा रहे हैं कि फेसेट जॉइंट्स जो कि स्पाइन कॉर्ड के आउटर लेटरल साइड में होते हैं, हम उस पर प्रेशर देने से उसमें कोई भी लचक या मूवमेंट नहीं ला पा रहे। बट हमें उम्मीद है कि हम धीरे धीरे इसको थोड़ा सा जेंटल प्रेस करके इसको इम्प्रूव करते करते, जैसे फेसेट जॉइंट्स इम्प्रूव होंगे कि स्पाइन की मोबिलिटी में भी फर्क पड़ेगा। टर्न करेंगे मेरी तरफ, देखिए किस तरह से स्लोली ये मूव करते हैं कि स्पाइन रिजिड हो चुकी होती है। तो बस ये हाथ थोड़ा सा दीजिए, अब मैं इनका लंबा कर रहा हूं। नीचे वाला पांव सीधा कीजिए, नीचे वाला हाथ देखिए, पाउंड ये हिप को इस तरह से रखना है ऐसे। आप नहीं गिरेंगे, आप बिल्कुल नहीं गिरेंगे, अनकंफर्टेबल है, सिर्फ दूर चलेंगे मेरे पास बाद में ताकि उससे हेल्प मिले इनको। ओके, कोई मोबिलिटी नहीं है तो हम दूसरी तरफ भी ट्राई आज नहीं करेंगे, सीधा लेट जाएंगे। घबराए ना, मैं आपके साथ हूँ। आप समझ सकते हैं कि एडजस्टमेंट इन केसेस में जिस तरह से आप देखना चाहते हैं वो नहीं हो पाता है, और जो कुछ भी हम कर पाते हैं इस तरह से देखिए, बहुत अच्छा है इनका शोल्डर, पूरा अच्छा चल पा रहा है। ये वाला हाथ दिखाएं, ये भी चल पा रहा है, ये सीधा लेट के, सीधा बैठ के नहीं है, कंधे चला पा रहे थे, लेकिन लेट के आप कंधे पूरे चला पा रहे हैं। तो आपसे एडवाइस रहेगा कि आप लेट के ही पाइप से एक्सरसाइज करिए। अब मैं इनकी नेक को मोबिलाइज करने की कोशिश करता हूँ। मत हिलिए, बिल्कुल सही जगह पे आप लेटे हैं, आपकी गर्दन का वजन आपकी कमर के, और ये एक और कैरेक्टरिस्टिक है कि टांगें भी कमजोर होने लग जाती हैं। देखिए ये बिल्कुल ही स्टिफ है, तो हम सिर्फ जॉइंट्स को ही इस तरह से मसाज करके रिलीज करेंगे सारे जॉइंट्स को। जॉइंट्स को इस तरह से मोबिलाइज बिल्कुल ना करें, और कोई भी कायरोप्रैक्टर, थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट ये गलती ना करें कि आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। इन जॉइंट्स को जितना इन्फ्लेमेशन कम कर सकते हैं वो ही अच्छा होगा। शोल्डर की मोबिलिटी एक्सरसाइजेस कराएं, इजी। देखिए ये भी बहुत पेनफुल है। आ जाइए महिपाल जी, आज के लिए इतना ही, मैं आपको सपोर्ट करूंगा उतने में। मैं आपको सपोर्ट करूंगा पीछे से। तो महिपाल जी, अपना एक्सपीरियंस, अपना अब तक का जो सफर रहा है आपका ट्रीटमेंट में, जो आपने अलग अलग कराए, क्या क्या आपने सुना लोगों से, क्या क्या इलाज कराया, और आज आपने मेरे पास कराया, तो कुछ जो भी आपकी जर्नी रही है वो व्यूअर्स के साथ शेयर करें। वो ये बीमारी काफ़ी टाइम से है, काफ़ी मतलब 10-12 साल हो गए ये नीचे से स्टार्ट होते थे, अब गर्दन पे पहुंच चुकी है, और मैंने कई सारे इलाज कराए इसके लिए, कई डॉक्टर के पास गया, फिजियोथेरेपिस्ट के पास गया, आयुर्वेदिक कराई, पर अब तक कोई आराम नहीं आ पाया। तो क्या आपको किसी ने एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है ये बताया? जी सर, मैंने YouTube में सर्च किया था, तो वहाँ से मेरे को पता चला। डॉक्टर्स के पास जिनके पास आपने गए, MRI करवाई, उन्होंने किसी ने भी नहीं बताया? जी, किसी ने नहीं बताया। देखिए ये दुख की बात है कि MRI रिपोर्ट मैंने इनकी पढ़ी, उसमें भी सजेस्टिव ऑफ एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस क्लिनिकली टू बी कन्फर्म बाई HPLA-27 लिखा हुआ है। जिस डॉक्टर ने MRI लिखी वो रिपोर्ट भी नहीं ढंग से पढ़ पाया। तो कोई बात नहीं, आज ये कंडीशन है, और आज हमने जो कुछ भी किया है, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक करें, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और शेयर करें, और इंफॉर्मेशन आपको अगर कंटेंट से रिलेटेड और चाहिए, कोई स्पेसिफिक कंटेंट पे चाहिए, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। हमारा क्लिनिक एक दिल्ली में है,
एक गुड़गांव में है। डिस्क्रिप्शन में जाके आप हमारे एड्रेसेस कॉन्टैक्ट नंबर्स ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब। थैंक यू।